Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the large scale assessment sample test for grade 4 and we are discussing about the mathematics part 1, that is the hold on objective. इसमें दो तरह के पार्ट्स हैं. पहला पार्ट 48 मार्क्स का है जो कि एमसीक्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, और जो दूसरा पार्ट भी है 52 मार्क्स का है, उसमें आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट तरह के ना क्वेश्चनिंग है जो आपने सॉल्व करनी है. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, तहसील हमारी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है, जो सेक्शन है उसका उसने वो लिखना है, रोल नंबर जो भी अलॉट किया गया उसका, और उस दिन की डेट जिस दिन उसका पेपर होगा. कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या हैं कि उन्होंने मास्क पहन के आना है और आपस में कम से कम 3 फुट के फासले पे उन्होंने बैठना है. जितना भी काम है, जितने क्वेश्चंस हैं, मैं उनको बहुत ही आपने केयरफुली पढ़ना है और तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, चॉइस नहीं है इनमें, इन सर्कल करने हैं करेक्ट आंसर्स को. अब ये नहीं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टिक कर देते हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है कि यू शुड इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. जितने भी एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमने उन पर इन सर्कल करना है. एक एग्जाम्पल दी हुई, जैसे कि क्वेश्चन है COVID-19 इज़ कॉज्ड बाय, तो डैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, तो ऑप्शन नंबर सी राइट था, तो उसको हमने इन सर्कल किया हुआ है. ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा वजूहात के दायरा अगर लगा दिया है तो फिर उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा, एक राइट ऑप्शन होगा. ठीक है, एक से ज़्यादा राइट ऑप्शन पे अगर टिक करेंगे तो उसको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा. नाउ वी फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इसमें हमने करेक्ट आंसर को इन सर्कल करना है. पहला है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ 3 इन 67,431. तो 3 की प्लेस कौन सी है, अगर हम एंड से पढ़ें तो 1 के बाद 10th प्लेस है इसकी. ठीक है, एंड से हम पढ़ना शुरू करते हैं 1, 10, 100, 1000 और ऑनवर्ड. तो 3 की प्लेस जो है वो 10th प्लेस है. ठीक है, तो इसका मतलब है 3 के हम 30th प्लेस में हैं. 3 की प्लेस बताने 30th है, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका. मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल, जो MCQs है उस पर चलते हैं. सेकेंड MCQs में हमने ऐड करना है, जब हम ऐड करेंगे प्रॉपर तरीके से, आपको एडिशन भी सिखा देते हैं किस तरीके से हमने ऐड करना है सेकेंड क्वेश्चन को, तो इसका क्या ऑप्शन आता है, लेट्स सी. अच्छा जी, सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, हाउ कैन वी ऐड बोथ नंबर्स, 9 में 2 ऐड करें 11 आता है, 1 इधर और 1 कैरी, 7, 8, 9 और फिर 10 आ गया, 10 के लिए 0 और यहाँ पे 1 कैरी, फिर 5, 6, 7, 8 और 1 9 हो गया, 6, 1, 7 हो जाएगा, और 4 और 3 जो है वो 7 हो जाएगा. तो इस तरीके से 77,901 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQs. सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी राइट था, 77,901, और थर्ड में कहता है 41,995 ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट. नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें तो इसमें कहता है 5, 10, 15, 20 और 25 है, तो अगला नंबर कौन सा होगा. देखिए अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें, इसमें 5, 5 का डिफरेंस, 5, 5 ऐड करके अगला नंबर आ रहा है ना, 5 के मल्टीपल्स हम कह सकते हैं, तो अगला 25 के बाद अगला नंबर 30 होगा 5 के मल्टीपल्स में, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट है. मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में देखें आपने बताना है कि लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है या लेस देन इक्वल टू ऑप्शन है. तो हम अगर नंबर्स देखें तो पहला नंबर हमारे पास 34,011 है और अगला 31,108 है, तो जाहिर सी बात है 34,000 वाला बड़ा होगा, तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह खुला वाला हम ऑप्शन लगाते हैं ना, क्योंकि अक्सर ये समझ नहीं आती कि कौन सा लेस होता है और कौन सा ग्रेटर होता है. तो जो नंबर ग्रेटर है उसकी तरफ इस साइन ऑप्शन, ये जो साइन है इसका मुँह खुला हुआ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन राइट जो है वो बी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि उसमें ये ग्रेटर का सिंबल है और ये होगा 34,011 इज़ ग्रेटर दैन 31,108. मूव फॉरवर्ड फॉर द सिक्स्थ एमसीक्यू, सिक्स में हमने माइनस करना है, तो लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी माइनस एंड हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट बोथ नंबर्स. नाउ वी सब्ट्रैक्ट इन सिक्स क्वेश्चन, 5 में से 4 जाएँ तो कितना रहता है जी, 1 रहता है, 6 में से 2 जाए तो 4 रहता है, 7 में से 1 जाए तो 6 रह जाता है, 5 में से 2 जाए 3 और 4 में से 3 जाए तो 1, तो ये 30,641 हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट बन रहा था, 30,641. 7 पे चलते हैं, 7 में है, अगर एक आदमी 62 मीटर वॉक करता है इन अ डे, एक दिन में, तो हाउ मेनी डिस्टेंस ही विल कवर इन 37 डेज. तो ये हम प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आता है 7 का.
जी, सेवन क्वेश्चन हमारे पास ये था कि अगर एक आदमी एक दिन में 62 मीटर चलता है तो वो 37 दिनों में कितना फासला तय करेगा। तो हमें यहाँ पे एक सबसे पहले तो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस है और फिर डेज हैं। तो डिस्टेंस कितना था, ये 62 डिस्टेंस मीटर में है, और 62 मीटर डिस्टेंस अगर वो तय करता है एक दिन में तो 37 डेज में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। लेट्स सपोज एक्स है, तो अगर 62 एक दिन में 62 मीटर डिस्टेंस तय करता है तो दिन ज़्यादा होंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि डेज भी बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लिखने का इसको तरीका क्या है कि जो टेल के साथ चीज़ होती है उसको ऊपर रखते हैं और जो हेड के साथ चीज़ होती है उसको हम नीचे रखते हैं। तो एक्स बाय 62 विच इज़ इक्वल टू 37/1। ये 62 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 37 को 62 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी कि मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर आता है। 62 को ऊपर रख लेते हैं, 37 को नीचे। 7 × 2 = 14, 4 × 1 = 6, 7 × 6 = 42, 2 × 42 = 143, 3 × 2 = 6, और 6 × 3 = बटा देते हैं उसके साथ, 6 × 3 = 18। अब 4, 6, 7, 8, 9, 8 + 4 = 12, और 1 + 2 = 2, 2, 2, 9, 4 हमारे पास डिस्टेंस आ गया कि 37 डेज में 2294 डिस्टेंस जो है मीटर में है, यूनिट, तो मीटर कवर करेगा। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, 2294। हमारे पास 7 क्वेश्चन जी कंप्लीट हो गया है, 2294, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 36 किस नंबर से डिविजिबल नहीं होता, 4 से भी हो जाता है, 9 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 9 से भी, और लास्ट नंबर है 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट कि 10 से ये डिवाइड नहीं होता। अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे 3.6 आंसर आ जाएगा, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट है कि किस नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 10 से डिवाइड नहीं होता है। आगे 3 के मल्टीपल्स हैं जी, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 = 9 होता है, 9 × 3 = 27, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 और 24, 8 और 24 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि क्या हैं इसके मल्टीपल्स। लेट्स सी, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करने लगे हैं 8 और 24 का। तो 8 और 24 के इस तरीके से हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स हैं तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका। 2 × 4 = 8, 2 × 12 = 24, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर 2 के टेबल पे जा सकता है, दोनों इवन है, 2 × 2 = 4, और 2 × 6 = 12। फिर 2 पे जा सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये रहता है इसको हम 3 पे लेके जाएंगे, 3, ये तो 1 as it is, 3 × 1 = 3। अब इन सारों को मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें सर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बनता है वो बनता है 24। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हमारे पास बी राइट है, दैट इज़ 24। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11 में, फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है 1/4 और 3/4 को। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने का क्या तरीका होता है, एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे एलसीएम 4 आएगा और न्यूमरेटर्स ऐड होंगे। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर राइट आता है। 1/4 में 3/4 हमने ऐड करना है। फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका ये होता है, वी विल टेक एलसीएम, नाउ वी टेक एलसीएम डैट, ये इसमें सेम आपके पास डिनोमिनेटर है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 + 3 ऐड होंगे, ऐसे पता है 4 है, 4 / 4 = 1, तो 1 × 1 होगा तो 1 ही आ जाएगा। इसका भी डिनोमिनेटर भी सेम है, वही एलसीएम भी है, वही डिनोमिनेटर भी है, तो ऊपर वाले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से वो नंबर आ जाएगा। 1 में 3 ऐड करें, 4 आता है, 4 को 4 पे डिवाइड करें, सेम नंबर्स है, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, डैट इज़ 1। नेक्स्ट वी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 13 है हमारे पास, 1 लीटर में कितने 1000 क्या होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे मिलीलीटर्स का ऑप्शन है ही नहीं। वैसे ऑप्शन नंबर डी में इसको मिलीलीटर्स लिखना चाहिए था, बट इसका कोई ऑप्शन यहाँ पे इसने दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जस्ट जो डी में लीटर्स है वो मिलीलीटर्स होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है कि विच टाइम इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा
वक्त कौन सा है, 2 साल है, आगे 12 महीने हैं, 365 दिन हैं और 1 साल 2 महीने हैं। तो सबसे बड़ा 2 साल ही है, क्योंकि 12 महीने भी 1 साल होता है, 365 दिन भी 1 साल होता है। अगला डी ऑप्शन है 1 साल 2 महीने, तो वो भी कम है। सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम है वो 2 ईयर्स है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट हमने एक्सपैंड करना है, इसको ऐड करेंगे 1 + 0.7 और 0.05, तो ये आ जाएगा 1.75। तो 1.75 जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1.75 है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट है 16, 4/5, 4/5 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आता है जी, इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या राइट ऑप्शन आता है, लेट्स डिस्कस। 4/5 है, 5 और 4 को डिवाइड करेंगे, 5 इज़ अ डिनोमिनेटर तो ये बाहर आएगा और 4 जो है वो अंदर आएगा। लेकिन अब 5 बड़ा है, 4 छोटा है, इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। तो 5 × 8/40 होता है, ये 40 आ जाएगा, तो 0.8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा डेसिमल में, 0.8 हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। 4/5 था तो 0.8 ऑप्शन राइट आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 16 का 17 पे जाएं, राउंड ऑफ 68 टू द नियरेस्ट 10। तो देखिए अब 68 है, नियरेस्ट 10 में ये होता है ना कि अगर 5 से कम है तो फिर तो ये 60 के बराबर होता है, लेकिन अब 5 से आगे है तो मतलब 68 है ना, तो 65 से बड़ा है, 70 के नज़दीक तरीन है, तो इस वजह से हम 70 करेंगे, क्योंकि 2 हिंसों के बाद 70 आ जाता है। तो इसमें ये तरीका कार होता है राउंड ऑफ करने का आपको, कि जब भी आपने कोई नंबर राउंड ऑफ करना है तो आपने देखना है कि अगर दरमियान में 5 है ना, तो 5 से अगर कम नंबर्स बन रहे हैं तो वो फिर उससे पिछले वाले नंबर के बराबर होगा, और अगर 5 से बड़े नंबर हैं मतलब 6, 7, 8 या 9 तक आ रहा है ना, पहले नंबर को छोड़ देते हैं आखिरी नंबर, तो फिर हम उसको अगले नंबर के बराबर करेंगे। तो अब ये क्योंकि 68 था, 65 से आगे है मतलब 5 से आगे है, तो 68 है तो ये 70 के अगला जो नंबर, इससे अगला नंबर है उसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है 70। नेक्स्ट 18 में हमने 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उससे अगले 19 क्वेश्चन में हमने माइनस करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से इनका आंसर आएगा, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स एंड हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट बोथ नंबर। 18 और 19 को हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी मल्टीप्लाई 5.5 by 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 = 15, 5 और 1 कैरी, 5 × 3 = 15, 15 और 1 = 16। अब एक हिंसे के बाद इशारिया है तो हम इधर एक हिंसे के बाद इशारिया लिख लेते हैं, 16.5 हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 18 का, डैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 16.5, ये राइट हो गया। 19 क्वेश्चन में हमारे पास माइनस हमने करना है डेसिमल्स में, तो 6.06 को माइनस कर रहे हैं 3.76 से। ठीक है जी, 6 में से 6 जाए 0, अब 0 में से 7 नहीं जा सकते, यहाँ से ये ख़त्म होगा, यहाँ 5 रह जाएगा और इधर ये 10 बन जाएगा, 1 आएगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 7 जाएँ तो कितने रहते हैं 3, और 5 में से 3 जाएं तो ये रहता है जी 2, तो 2.30 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, डैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है 2.30। तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या होती है। तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, दायरे के मुहित की लंबाई दायरे का मुहित कहलाता है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहलाता है, जो बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री ऑफ लेंथ ऑफ सर्कल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक बार ग्राफ, तो बार ग्राफ की कितनी टाइप्स होती हैं जी, बार ग्राफ की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वर्टिकल बार ग्राफ होता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है, स्टैक्ड बार ग्राफ होता है, ग्रुप बार ग्राफ होता है, तो 4 टाइप्स हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। मूव फॉरवर्ड फॉर द 22 क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में, लेट्स सी कि किस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट 7/5 इनटू मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम मखलूत कसर कहते हैं, उस पर हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस का, ऑलरेडी हम टॉपिक कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व द फ्रैक्शंस। 7/5 है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नाउ कैन वी डिवाइड, डिनोमिनेटर जो है वो 5 है तो वो बाहर आ जाएगा, और 7 न्यूमिनेटर है तो वो अंदर आ जाएगा, 5 × 1 = 5, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5 × 7 = 5 जाएँ तो 2, तो इसमें होता क्या है, पहले कोशेंट आता है, फिर रिमाइंडर आता है और फिर डिनोमिनेटर आता है। ठीक है जी, तो कोशेंट हमारे पास क्या है 1, रिमाइंडर है 2 और ये 5, तो 1/2/5 ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, 22 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है 1/2/5 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हमारे पास होता है, तो 1/2/5 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट है हमारे पास
there are how many small divisions, small parts in a protector and each part is equal to 1 degree. Total 180 होते हैं. अगर आपने protector देखा हो तो 180 उसके अंदर होते हैं. तो option number D right है, 180. To convert years into months, we multiply the given year by. एक साल में 12 महीने होते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका. नेक्स्ट हमने ऐड करना है 9.11 प्लस 8.03 को. तो इसका क्या राइट ऑप्शन आता है, लेट्स डिस्कस. 25 क्वेश्चन में हमने ऐड करना है 9.11 में 8.03 को. तो 3 में 1 ऐड करें 4, 1 में 0 ऐड किया 1, 8 और 9 को हमने ऐड करना है 8 और 16, 16 और 1 17 होता है. 17.14 इसका राइट ऑप्शन आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया. Now it's called section 2. In section 2, we have a long questions in the first part of 26. इसमें हमने ऐड करना है नंबर्स को. 58134 को हमने ऐड करना है 45367 में. तो 4 में 7 ऐड करेंगे, 11, 1 कैरी, 10, 0 और 1 कैरी, 5 आ गया ये. 8 में 5 ऐड करेंगे, 8, 13 आ गया, 3, 1 कैरी, 5 और 5, 10. तो ये क्योंकि इससे आगे नंबर नहीं था तो उसमें कैरी हो नहीं सकता था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया. ए के सेकंड पार्ट में हमारे पास माइनस हमने करना है 43,562 को 7,003 इन नंबर्स को एंड से एंटर करेंगे ताकि हमें आसानी हो माइनस करने में. ठीक है, इसे इनसे के नीचे कुछ भी नहीं है इनसा. अब दो में से 6 नहीं निकल सकते, यहाँ से कैरी आएगा, ये 12 बन जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा. 12 में से 6 जाएँ तो 6 बचता है. अब 5 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी होगा, ये 4 रह जाएगा, ये बन जाएगा तो 15 हो जाएगा. 15 में से 6 जाएँ तो कितने रहते हैं, 9. और 4 में से 3 जाएँ तो 1. 3 में से 7 नहीं निकल सकते, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 1 जब इधर आएगा तो ये 13 बन जाएगा. 13 में से 7 निकालेंगे, 6 रह जाएगा और 3 एज इट इज़. तो ये हमारे पास आ गया 36,196 इस सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन. मूव फॉरवर्ड फॉर द बी पार्ट ऑफ 26 क्वेश्चन. में कहता है कि एक कोई उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसने एक हल्के में 62,436 वोट्स लिए हैं. ठीक है, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसने लिए 86,733. तो आप बताएं कि दूसरे ने पहले के मुकाबले में कितने ज़्यादा वोट लिए हैं. जब इंक्रीज हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे. 86,733 दूसरे वाले बंदे ने लिए थे और पहले वाले ने कितने लिए थे जी, 62,436. तो दोनों को माइनस करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि दूसरे वाले उम्मीदवार ने पहले वाले के मुकाबले में कितने ज़्यादा वोट लिए हैं. तो ये 3 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ पे 2 रह जाएगा, इधर ये 13 बन जाएगा, ये 7 आ जाएगा. 13 में से 6 जाएंगे, 2 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से ये 6 रह जाएगा, इधर जब कैरी जाएगा तो ये 12 हो जाएगा. 12 में से 3 जाएँ तो कितने रहते हैं जी, 9. और 6 में से 4 जाएँ 2, 6 में से 2 जाएंगे 4, 8 में से 6 जाएंगे तो 2. तो ये आपके पास आंसर आ गया. इस तरीके से हमारे पास 26 का ए और बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. Now we are discussing the solution of 27 question. The first part and in the A part, it have two parts. पहले में हमारे पास जो first part है उसमें हमने multiply करना है 4,324 को 41 के साथ. तो पहले 1 के साथ ये सारे numbers multiply होंगे, 4, 2, 3, 4, फिर 1 के 4, 4 ज़ार और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4, 16, 6, 1 कैरी, 4, 2 ज़ार 8 और 8, 9 और 4, 3 ज़ार 12, 2 और 1 कैरी, 4, 4, 16 और 1, 17. अब 4 एज इट इज़, 6, 7, 8, 9 में 3 ऐड करें, 9, 10, 11, 12, 2, 1 कैरी, 4, 5, 6 और 1, 7, ये 7 एज इट इज़. और ये इस तरीके से आपके पास आ गया 1,77,284. ठीक है जी, सेकेंड पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास. क्या मल्टीप्लिकेशन है जी, 7,295 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से. तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 5, 2, 10, 0, 1 कैरी, 9, 2, 18 और 1, 19 आ जाएगा और ये 1 कैरी, 2, 2, 4 और 1, 5 और 2, 7, 14.
इसी तरीके से ये भी 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 0 1 कैरी 9 2 18 और 8 19 1 कैरी 2 4 और 1 5 और 7 2 14। तो अब ये हमने जब ऐड किया तो ये आ गया 0 9 9 में 5 ऐड करें 14 1 कैरी 5 और 5 10 0 1 कैरी 4 5 और 6 और ये आ गया 16,490। मूव फॉरवर्ड फॉर द बी पार्ट ऑफ 27 क्वेश्चन। इसमें कहता है कि एक बस में 45 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, तो आप बताएं कि कितनी बसेस चाहिए होंगी अगर हमें 1,575 पैसेंजर्स को एडजस्ट करना है। ठीक है जी, कितनी बसेस चाहिए। तो कैपेसिटी वाला टॉपिक हमारे पास है इस बुक में। हमें अगर उसने कहा है कि 45 पैसेंजर्स कितने बस में हैं, 45 पैसेंजर्स इज इक्वल टू 1 बस है, तो अब 1 पैसेंजर्स कितनी बसेस में आएंगे। 1 पैसेंजर जो है वो 1/45 बस हो जाएगा। और अब हमें क्योंकि उसने कहा है 1,575 पैसेंजर्स, हमने उनकी कैपेसिटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1,575 से डिवाइड बाय 45 हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कितनी बसेस आ रही हैं। 45 को 1,575 पर डिवाइड करना है, 5 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 45, 5 3 15 और 5 1 5 और 6 7 25, 5 5 25। अब 3 के टेबल पे जा सकता है, 3 3 9, 3 1 3 0, 3 5 15 और फिर भी 3 पे टेबल पे चला जाएगा, 3 1 3, 3 3 9 और 1 15, 3 5 15, तो ये आ जाएगा 35। तो इट मीन्स 35 बसेस हमें चाहिए अगर हमने 1,575 पैसेंजर्स जो हैं उनको एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास 7 क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट। Now we are solving the A part of 28 question. In the A part we have 2 parts. इसमें हमने prime factors निकालने हैं 44 और 33 के। तो prime factors निकाल लेते हैं 44 के और 33 के। तो prime numbers इस पर जाएंगे। सबसे पहला lowest prime number होता है 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 11 जार और फिर अगला 11 1 जार। तो ये prime factors आ गए जी 44 के prime factors of 44 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 11. Now we move forward for the second part. It have 33 ke prime factors lenge, rest prime factors pe 3 jayega, 3 11 sir aur 11 1 sir. To ye iske prime factors 33 ke ho jayenge. Prime factors of 33 is equal to 3 multiplied by 11. ये दो फैक्टर्स हैं जी 3 और 11, ये प्राइम फैक्टर्स इसके निकल आए इन दोनों के। आगे हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 51, 17 और 34 के। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो ये हम इस तरीके से करेंगे 51, 17, 34। तो इन सब पे 17 का ही टेबल पहले जाएगा, पहला जो कॉमन मल्टीपल है इस पे प्राइम फैक्टर जाएगा 17। 17 3 51 होता है, 17 1 17 और 17 2 34। आप ये 2 के ले जाते हैं 3 और 1 एज इट इज़, 2 1 2 और फिर ये 3 का ले जाते हैं 3 1 3 और ये सारे 1 1 हो गए। अब इनका कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा जी। कॉमन मल्टीपल 17 को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। 6 और 6 को ये जी आ जाएगा 17 को, जब 3 2 6 हो गया ना, 6 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो 102 आपके पास कॉमन मल्टीपल आ गया। तो इस तरीके से ए और बी को 28 के हमारे पास कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द 29 क्वेश्चन। उसमें हमने मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को। 11/5 है तो जो डिनोमिनेटर है बाहर लिखेंगे, न्यूमरेटर अंदर लिखेंगे। 5 2 10 हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया। इसमें होता क्या है बेटा, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो क्वेश्चन पहले आता है 11/5 को, अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ क्वेश्चन पहले आता है, सॉरी क्वेश्चन हमारे पास है 2, रिमाइंडर है 1 और डिनोमिनेटर है 5, तो 2 होल 1/5 आंसर आ जाएगा। अब 13/10 पे चलते हैं। 13/10 है तो 10 बाहर आएगा, 13 अंदर आएगा, 10 1 10 और 3 रिमाइंडर। तो क्वेश्चन ये होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 1 होल 3/10 हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमारा दो पार्ट्स कंप्लीट।
बी पार्ट जो है उसमें कहता है कि आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए हमारे पास फ्रैक्शन है, इस टॉपिक में ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप अगर डिटेल देखना चाहें तो डिटेल आप टॉपिक्स की देख सकते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू नंबर्स ना, तो तब हमें पता चलेगा ना, नंबर्स हम देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑर्डर हमने किस तरीके से अरेंज करना है, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये अब 9, 9, 6 और 3 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं जो डिनोमिनेटर्स हैं, और एलसीएम से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। तमाम नंबर्स की जब डिनोमिनेटर ख़त्म होगा तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि बड़े छोटे नंबर को किस तरीके से अरेंज करना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे उतरना, मतलब बड़े से छोटे नंबर की तरफ आना, ठीक है। डिसेंडिंग डाउन होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सीढ़ियों से नीचे आने की, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो बड़े से छोटे नंबर की तरफ हमने तरतीब देना है। तो हमने देख लिया 6, 6 और 9 है, 3, 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो इनका आएगा उन उसको तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 1 1 3 3 1 ज़ा 1 1 3 3 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। 18 जो है वो हमारे पास एक नंबर आ गया है जिसको एलसीएम आ गया, उसको हम तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को हम 2 बाई 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को हम 8 बाई 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को हम 5 बाई 6 से भी करेंगे, और 18 को हम 1 बाई 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब सबसे मल्टीप्लाई किया 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 आ गया यहाँ पे, इधर 9 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16 आ गया, इधर 3 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, और 3 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9। अब देखिए कि कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है। अब मैं अगर इस तरह अरेंज करूँ 16, 15, 9 और 4, अब देखें 16 किसका आंसर आया था, 16 आया था 8 बाई 9 का, तो इसका मतलब है पहले आएगी 8 बाई 9, फिर आएगा 8 बाई 9, के बाद 16 की जगह 8 बाई 9 आ जाएगा, 15 किसकी थी, 15 थी ये 5 बाई 6 की, उसके बाद 5 बाई 6 आएगा, 9 किसका आंसर आया था लास्ट वाली का 1 बाई 3 का, तो फिर 1 बाई 3 आएगी, और 4 किसका आया था फर्स्ट वाले का, डेट इज़ 2 बाई 9। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि बड़ी कौन सी है, छोटे से छोटी पर, उससे छोटी पर सबसे छोटे, तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। इस तरह हमारे पास 28 और 29 का सोल्यूशन आ गया। नाउ वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ 30th क्वेश्चन। इसमें हमें 95 का एंगल बनाना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ऊपर हम ये प्रोटेक्टर रखेंगे, ये यहाँ पे ये स्मॉल प्रोटेक्टर अगर हम रखें तो 95 किस तरीके से बनता है। लेट्स सी, ये हमने प्रोटेक्टर रखा है, 95 क्या होगा, 90 से आके 5 लाइनें, तो वहाँ पे हम डॉट लगा लेते हैं और उसको फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। लेट्स सी, now we are solving the 30th first part of 30th question and here we want to construct an angle of 95 degree। let's see, इसमें हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, उसके बिल्कुल ये कॉर्नर पे हमने ये प्रोटेक्टर रख लिया है, और 95 है तो 90 से आगे ये 5 लाइनें हमने काउंट कर लेनी है इस तरीके से, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट इससे मिला देंगे तो ये 95 का एंगल हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह, ये हमने लाइन खींच दी, ये हमारे पास प्रोटेक्टर की मदद से 95 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी है ऑयल टैंकर की 98 लीटर, तो 98 लीटर में कितने मिली लीटर्स होंगे वो हमने कन्वर्ट करना है। अगर 98 लीटर है उसको मिली लीटर में कन्वर्ट करना है, 1 लीटर है 1000 मिली लीटर, तो ये 98,000 मिली लीटर्स आपके पास आंसर आ जाएगा इसका।